वन वेलकम टू योर वेरी ऑन ईजीली दिस इज डॉक्टर सुधा योर मेंटो फॉर बायोलॉजी सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द जीन रेगुलेशन और उनका मतलब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ठीक है हमारे प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर हमने डी एन ए टू डी एन ए की कॉपी बनवाई ठीक है डी एन ए से हमने आर एन ए बनवा लिया और आर एन ए से हमने प्रोटीन्स बनवा ली है न तो अब ये आता है कि जब सब सेल्स के अंदर डीएनए है ठीक है तो डीएनए है क्या है दैट इज जीन्स है तो जीन्स क्या बनाएंगी प्रोटीन्स बनवाएंगी तो उनका जो एक्सप्रेशन है मतलब जीन का एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन है कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हाउ दैट इज़ रेगुलेटेड और इसी के साथ साथ हम क्या बात करेंगे हम लैक ऑपर की बात भी करेंगे बट इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें हम एक बार देख लेते हैं कि हमें इजिली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है ठीक है तो इजिली ऐप के साथ जुड़ने के लिए क्या करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे इजिली ऐप को करेंगे डाउनलोड और आप अपना मोबाइल नंबर फिल करके आप करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देंगे ठीक है न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपसे मांगी जाएगी आपकी कुछ इंफॉर्मेशन जिसको आप फिल कर देंगे और वेरीफाई विद ओ के साथ क्लिक करने के बाद यू विल गेट एन ओ नंबर और फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपका नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने खुलेंगे कुछ कोर्सेज़ और आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है यू विल सेलेक्ट फॉर नीट और उसके बाद मेंशन कर देंगे आपकी क्लास ट्वेल्थ क्लास के लिए आप हमारा टॉपर्स वाला जो बैच है वो ज्वाइन कर रहे हैं फॉर अमेजिंग वीडियोस ऑफ अमेजिंग क्वालिटी और साथ ही साथ विदाउट एनी इंटरप्शन यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स एज वेल एज फॉर नीट ठीक है ओके और इसी के साथ ही हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का जो टॉपिक है आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट करना है हमें जीन के एक्सप्रेशन को साथ ही साथ हम देखेंगे व्हाट वॉटअर्स द लैक ऑपेरोन का मतलब क्या है क्या होता है ये ऑपेरोन क्या होते हैं ठीक है ठीके? तो ये ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले आप मुझे बताइए हैव यू एवर थॉट क्या आपने कभी भी सोचा है कि अगर जो मेरे स्टमक के सेल्स हैं है, है ना स्टमक के सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं एच प्रोड्यूस करते हैं राइट right? अगर मेरी के सेल्स प्रोड्यूस करने लग जाएं, तो क्या होगा आंखें जल जाएंगी है ना तो ऐसा मतलब सोच के थोड़ी सी हमें हैरानी भी होती है सब सेल्स के अंदर सेम डीएनए है है ना हर सेल के पास डीएनए है और हर डीएनए के पास क्या है जीन्स है और आपको अब पता है कि जीन्स क्या करेंगी प्रोटीन्स बनवाएंगी प्रोसेस हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है तो अगर हमारे आइस के सेल्स के पास एच बनाने वाली प्रोटीन्स एच बनाने वाले जो जीन्स हैं वो एक्टिव हो जाए तो हमारी आइस के अंदर क्या प्रोड्यूस करने लग जाएगा एच आप सोच सकते हैं कि कितना सब कुछ गड़बड़ा जाएगा आइस शायद आइस रहेंगी नहीं है ना इतना सारा अगर एच चला जाएगा तो हमारी आइस को बर्न कर देगा ठीक है तो फिर ये जो सब चीजें हैं ये कैसे कंट्रोल होती हैं कि जो स्टमक के सेल्स हैं वो सिर्फ एच बनाएंगे या कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाएंगे जो डाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं ठीक है थीके? या हमें ये पता है कि जो आइस के सेल्स है वो आइज वाली फंक्शनिंग करेंगे या जो स्किन का सेल्स है वो स्किन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वही बनाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं हो सकता है जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा हो तब और कोई प्रोटीन्स बन रही हो प्यबर्टी के एज पे कोई डिफरेंट प्रोटीन्स बन रही हो तो ये एक किस टाइम पे किस जगह पे कौन सी प्रोटीन बननी है ये सब कौन कंट्रोल करता है दैट इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ठीक है तो आई होप आप हमारा जो बेस है इस टॉपिक को पढ़ने का रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को जो समझने का हमारा बेस आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं ठीक है ठीके? तो लेटल स्टार्ट इतनी डिस्कशन के बाद हम चलो एक बार स्टार्ट करते हैं मतलब अगर हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो बहुत ब्रॉड टर्म में अगर हम इसका मीनिंग समझे तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कोई प्रोटीन्स बनेंगी और प्रोटीन्स हमें पता है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है ठीक है तो इसका मतलब उन प्रोटीन्स को कितने अमाउंट में बनना है कब बनना है कौन सी जगह पे बनना है एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी रेगुलेटेड ठीक है चलो इट रेफर्स टू वेरी ब्रॉड टर्म एट वेरियस लेवल्स ठीक है जैसे कि हम यू के रोड्स के अंदर बात करेंगे जो ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन्स है ये कहां पर हो सकता है हम बात करेंगे प्रोकेर के अंदर ठीक है तो कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन इस लाइन को समझना बेटा जीन एक्सप्रेशन जो है इसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड्स बनती हैं मतलब जब जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं तो क्या बनती हैं प्रोटीन्स प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड्स राइट इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स तो इनका रेगुलेशन पहली बात तो ये समझ समझो कि जरूरी क्यों है क्यों जरूरी है क्योंकि हर जगह पे जो सेल्स हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन अगर मैं बात करूँ स्टेम सेल्स की है ना जब हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की तो स्टेम सेल्स के जो जो सेल्स होते हैं दे कैन बी डिफरेंशिएटेड इन मतलब सब सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम जाइगोट बनाते हैं ना जब एक ऑर्गेनिज्म डिवेलप हो रहा होता है ना जाइगोट डिवाइड करता है क्या बनता है मरूला ठीके? मरूला वाली स्टेज पे ऑल द सेल्स ऑल द सेल्स आर टोटिपोटेंट टोटिपोटेंट का मतलब क्या होता है दैट दे हैव द कैपेबिलिटी दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस या टू प्रोड्यूसरबिलिटी प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस करोटेंट सेल बट जैसे ही अब ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं ब्लास्ट्रूला बन गया ब्लास्टूला के बाद आपका गैस्ट्रूला बन गया ठीक है गैस्ट्रूला के बाद ले गैस्ट्रोलेशन के बाद क्या बन गई लेयर्स बन गई कौन सी लेयर्स बनती है हमारे पास एक्टोडम है ना एंडोडम और मीजोडम जब ये लेयर्स बन जाती हैं तो सबके बीच में क्या हो जाता है काम का बंटवारा हो जाता है मतलब डिफ्रेंशिएशन हो जाते हैं सारे के सारे सेल डिफरेंट लेयर्स के डिफ्रेंशिएशन से क्या बनते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ठीक है और गैनेोजेनेसिस हो जाता है डिफरेंट ऑर्गन फिर मिला के ऑर्गन सिस्टम और पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है अब क्वेश्चन ये है हर सेल के पास चाहे आप स्किन का सेल ले लो चाहे आप हेयर का सेल ले लो कहीं का भी सेल ले लो हर सेल के पास न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा डीएनए है है ना अब डीएनए 2.2 मीटर का लंबा थ्रेड है हर सेल के पास है तो अब क्वेश्चन ये हमें यह समझना है इस पूरे चैप्टर के अंदर बेस बराबर पहले रेगुलेशन क्यों होती है मतलब क्या होता है जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का उसका मीनिंग समझो तो हम ये बात कर रहे हैं कि मान लो यही सेम सेल चलो फिर से एक बार बोलते हैं आई का सेल है है ना यही सेम सेल मान लो मेरा स्टमक का सेल है ठीक है और यही सेम सेल मान लो मेरा स्किन का सेल है इसके पास भी डीएनए है इसके पास भी डीएनए है ठीक है तो इस सेल का अलग फंक्शन है यहाँ पे अलग तरह की प्रोटीन्स बन रही हैं, यहाँ अलग तरह की प्रोटीन बन रही है यहाँ अलग तरह की प्रोटीन बन रही है तो ये जो प्रोटीन का बनना दैट नीड टू बी regulated सो दैट पूरी बॉडी के सेल्स का जो जो फंक्शन उनको मिले हैं वो वो फंक्शन वो अच्छे से कर सकें है ना अब अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड के सेल्स अगर टीयर्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगे तो कोई यूज़ नहीं है उनको एच सी एल ही प्रोड्यूस करना है तो एच सी एल ही करेंगे आइज के सेल अगर एच सी एल प्रोड्यूस करने लग जाएंगे तो उनका कोई फंक्शन नहीं है तो आई का पर्पज़ ही खत्म हो जाएगा है ना तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए जीन रेगुलेशन अब ये जो रेगुलेशन है ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हो सकता है अगर हम बात करते हैं यू की ठीक है हमने ये देखा यू के अंदर मोनोसिस्ट्रॉनिक है ना एक जीन जो एक प्रोटीन बनाती है तो लेट अस चेक कि इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स इन यू के रेगुलेशन कुड बी एग्जर्टेड एट सबसे पहली चीज ट्रांसक्रिप्शन मतलब जब डी से आर बन रहा है

एट ट्रांसक्रिप्शन so, मतलब जब genes DNA पे हैं और DNA से क्या बन रहा है सबसे पहले बन रहा है RNA, जिसके अंदर exons, introns, सब parts मिलेंगे है ना तो प्राइमरी लेवल परिप्शन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब एच एन आर एन ए का बनना राइट right? दूसरी बात प्रोसेसिंग लेवल पर प्रोसेसिंग का मतलब क्या है हमें जब हम स्प्लाइसिंग करते हैं जब हम एक्सॉन्स को कंबाइन करेंगे और इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे दैट वाज नोन एज स्प्लाइसिंग फाइव एंड पे हमने क्या कर दी थी कैपिंग कर दी थी थ्री एंड पे हमने क्या कर दी थी टेलिंग कर दी थी तो प्रोसेसिंग लेवल पर जब mRNA की, की, जब की की प्रोसेसिंग हो रही है तो क्या बन रहा है हमारे पास एम आर एन ए तो इस लेवल पे कंट्रोल करने की जरूरत है तो एम आर एन ए तक बनने का प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है बेटा न्यूक्लियस के अंदर ठीक है तो न्यूक्लियस के अंदर ही कंट्रोल हो जाता है सारा कुछ जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है न्यूक्लियस जैसी चीज ही नहीं है वहां पर राइट ओके अब देखो अब एम आर एन ए जो बन गया इस एम आर एन ए को इस न्यूक्लियर पोर से बाहर आना होता है न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर से एम आर एन ए को बाहर आना है कहाँ साइटोप्लाजम में सेल के साइटोप्लाजम में तो इस लेवल पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह के जीन्स एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को और देन हम बात कर सकते हैं जब एम आर एन ए ट्रांसलेट करके वो प्रोटीन्स बनवाएगा ठीक है जिसको हमने बोला ट्रांसलेशन लेवल अब ये एम आर एन ए था एम आर एन ए ने क्या बना दी बेटा प्रोटीन्स बना दी राइट तो इस लेवल पे भी हम रेगुलेट कर सकते हैं तो याद रखेंगे देर आर फोर लेवल्स ऑफ रेगुलेशन इन यू पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है ठीक है दूसरा हमने क्या देखा जब स्प्लाइसिंग होती है मतलब प्रोसेसिंग होती है एच एन आर एन ए की टू एम एन आर एन ए नंबर थ्री जब एम आर एन ए का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाजम और नंबर फोर जब एम आर एन ए ट्रांसलेट करके क्या बना देगा प्रोटीन्स बनवा देगा तब हम यूकैरियोट्स के अंदर ये जो जीन्स का एक्सप्रेशन है इसको रेगुलेट कर सकते हैं आई होप यहाँ तक हमें क्लियर है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं कि इन यूकैरियोट्स द जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड एट एट फोर लेवल्स ठीक है तो ये चारों फोर लेवल्स को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है राइट ठीक है अब आगे चलो अब देखो आगे क्या होता है अब देखो genes जो है एक सेल्स के अंदर दे आर मेंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन बाय मेकिंग प्रोटीन ठीक है इन द जीन्स इन सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन फॉर एग्जाम्पल मान लो एक जीन है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज ठीक है बीटा मान लो के e. के अंदर के अंदर सिंथेसाइज होता है ठीके? इसको किस लिए यूज किया जाता है इट इज यूज बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है एक डाइसेक्राइड है दैट इज लैक्टोज लैक्टोज को कन्वर्ट कर सके ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ठीक है तो ये ये इसका बड़े काम निर्धारित है

हम बात कर रहे हैं मान लो ये हम बात करें ई कोलाई की ठीक है कोलाई एक लैक्टोज के मीडियम इसके सराउंडिंग में क्या है लैक्टोज है प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया और इसको अब इस लैक्टोज को ब्रेकडाउन करवाना है किसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में राइट ताकि क्या मिल सके एनर्जी मिल सके किसको बैक्टीरिया को जब सराउंडिंग में लैक्टोज है ही नहीं जब सराउंडिंग में लैक्टोज है ही नहीं दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज बीटा गैलेक्टोसाइडेज की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लैक्टोज ही नहीं है जब काम ही नहीं है तो हम इसको बना के करेंगे क्या तो उस कंडीशन पर हमें क्या करना पड़ेगा हमें जीन के जो काम है उसका उसका जो एक्सप्रेशन है उसको रोकना पड़ेगा उसको रेगुलेट उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि कब ये जीन अपना काम करेगी कब ये जीन अपना काम नहीं करेगी ठीक है तो दैट इज नोन एज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ठीक है मतलब सीधी सी बात है जब आपके घर में कोई गेस्ट आ ही नहीं रहा है तो आप एक्स्ट्रा खाना क्यों बनवाएंगे सेम वही बैक्टीरिया की हमने बात की अगर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो वो एंजाइम क्यों बनवाएगा उसकी जीन्स क्यों काम करके अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगी ठीक है ओके तो देरफुर हम एक बात बोल सकते हैं सिंपल टर्म में जो रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का डेट कैन बी मेटाबॉलिक ठीक है अगर जैसे डाइजेशन होगा तभी एंजाइम्स रिलीज होंगे नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है ठीक है फिजियोलॉजिकल फंक्शनल लेवल पर है ना अगर बीटा सेल्स सेजोपेट्रियाज ने इंसुलिन बनानी है है ना तो जब फंक जब जरूरत होगी तो वो इंसुलिन बनाएंगे जब ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना होगा अदरवाइज बिना काम के इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते रहेंगे तो जब जरूरत नहीं है तो उसका प्रोडक्शन डाउन कर देंगे मतलब फिजियोलॉजिकल लेवल पर और इन्वायरमेंटल लेवल पर भी इवन हमारे मान लो सराउंडिंग्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ जाते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोटीन्स बननी शुरू हो जाती हैं ऐसी जो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं दैट इज इन्वायरमेंटल राइट तो सिंपल टर्म में बात करें तो जो रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का इट इज इट कैन बी एट मेटाबॉलिक लेवल फिजियोलॉजिकल लेवल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है दैट रेगुलेट्स एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स ठीक है अब देखो द डिवलपमेंट और डिफ्रेशियेशन ये एम्ब्रियो है अब जब जाइोड डेवलप होगा मोरूला से ब्लास्टूला में उसके बाद ब्ला, ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाएगी इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो पूरा का पूरा जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो वो जो डेवलपमेंट है ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म ये भी किसके रिजल्ट है रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ चीन्स मतलब एम्ब्रो का जो डिवलपमेंट हो रहा है उस वक्त कौन सी हमें प्रोटीन्स चाहिए तब बॉडी की कौन सी जीन्स एक्टिवेट होंगी कौन सी जीन्स प्रोटीन्स बनाएंगी अब ऑर्गेनिज्म एडल्ट कैसे बनेगा ठीक है जब बेबी था तब डिफरेंट काइंड की प्रोटीन थी जब प्यूबर्टी के अंदर एंटर हुआ तो डिफरेंट काइंड की प्रोटीन थी जब रिप्रोडक्शन में एंटर होगा तो डिफरेंट काइंड के वो हार्मोन्स रिलीज होंगे है ना ये सारी क्या है दीज आर प्रोटीन्स तो इन प्रोटीन्स के लिए हमें क्या चाहिए जीन्स का जो एक्सप्रेशन है दैट नीड टू बी रेगुलेटेड तो यहां से हम ये समझते हैं कि जो रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का दैट इज डिपेंडेंट ऑन मेटाबॉलिक भी हो सकता है फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है ठीक है ओके नाउ सी अब देखो प्रोकेरियोड्स के अंदर प्रो के अंदर जो कंट्रोल है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का इज द प्री साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूक्रियोट के अंदर हमने समझा कि चार लेवल हैं और प्रोक्रियोट के अंदर इतने सारे लेवल्स नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब कुछ कहाँ चल रहा है एक ही चैम्बर में चल रहा है ठीक है तो द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन के शुरू होने का जो रेट है कब किस स्पीड से मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है वो है प्रिडोमिनेंट साइट जहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को मतलब यहाँ लिखेंगे in prokaryotes in prokaryotes gene expression gene expression can be regulated at transcriptional level can be regulated at trans transcriptional level transcriptional level okay. okay. अब ध्यान से सुनना मेरी बात को एक बात को एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं जब हम डीएनए बना रहे थे बेटा जब हम डीएनए बना रहे थे डीएनए टू डीएनए बना रहे थे मतलब जब हम रेप्लीकेशन कर रहे थे तो हमें एक एंजाइम चाहिए था डी एन ए पॉलिमरेज ठीक है डी एन ए पॉलिमरेज का जो काम है डी एन ए की याद करो इसको ये अपना काम कब स्टार्ट करेगा जब इसको एक प्राइमर मिलेगा है ना डीएनए पॉलीमरेज dependent on ये किसके ऊपर डिपेंडेंट था डिपेंडेंट ऑन आरएनए या इसको प्राइमर दो सीधा डिपेंडेंट ऑन प्राइमर ठीक है याद करो जब हमने ये डिस्कस किया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कभी भी काम करता है मैं जीरो से स्टार्ट नहीं करूंगा मैं कब स्टार्ट करूंगा जब कोई आके मेरा काम जरा से शुरू कर दे ठीक है तो वो कौन था वो प्राइमर था और जब हम डीएनए 2 बनवा रहे थे जब हम ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे थे तब हमें एंजाइम कौन चाहिए था? पॉलीमरेज, ठीक है? तो अब जब पॉलीमरेज प्राइमर के ऊपर डिपेंडेंट था तो आर एन ए जो है दैट वॉज डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट ऑन सिग्मा फैक्टर सिग्मा फैक्टर आएगा इनिशिएशन करवाएगा आर एन को पुश करेगा और ट्रांसक्रिप्शन का जो रिएक्शन है दैट विल स्टार्ट ठीक है तो सिग्मा फैक्टर विच विल हेल्प ठीक है कहां बाइंड करवाएगा विच विल हेल्प आर एन ए पॉलिम टू बाइंड एट टू बाइंड एट प्रमोटर साइट टू बाइंड एट प्रोमोटर साइट ठीक है ओके okay, इतनी बात हमें जो हमारी प्रीवियस नॉलेज से हमें पता है राइट right? चलो देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं द एक्टिविटी ऑफ आर एन ए पॉलिम्रेज एट ए गिवन प्रोमोटर आर एन ए पॉलिम्रेज आके कहा लगता है प्रोमोटर पर लगता है टे तो हमने क्या देखा हमने यह देखा कि किस यू के अंदर यह सारी बात हम करें यू के अंदर किसको क्या चाहिए प्रोमोटर साइड में बाइंड होने के लिए इसको चाहिए एक सिग्मा फैक्टर चाहिए था बट जब हम बात करते हैं इन प्रोकेरियॉर्ट्स में इन प्रोक्रिया में ठीक है तब आर एन ए आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड एट प्रमोटर साइट ठीक है और इसके लिए ना इसको चाहिए कुछ ऐसी प्रोटीन्स कैसी प्रोटीन्स चाहिए लाइक like, रेगुलेटरी प्रोटीन ठीक है दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एक्टिवेटर्स और नेगेटिवली रिप्रेसर्स ठीक है तो सिग्मा फैक्टर भी क्या था बेटा एक तरह से सिग्मा फैक्टर वॉज ऑल्सो इनिशिएशन फैक्टर साइट एंड इट रिक्वायर्स इट रिक्वायर्स सम प्रोटीन्स ठीक है अब ये प्रोटीन कैन भी मतलब पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकती है मतलब एक्टिवेटर हो सकते हैं जो आर एन से काम स्टार्ट करा सके दे कैन बी नेगेटिव नेगेटिव का मतलब जो इनहिबिट कर दे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को या आर एन की एक्टिविटी को राइट तो ध्यान से देखो एट ए गिवन प्रोमोटर इज इन टर्न इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद असेसरी प्रोटीन्स ठीक है जो इफेक्ट करती हैं इसकी एबिलिटी टू रिकोगनाइज स्टार्ट साइट्स मतलब आर एन ए पॉलीम्रेज क्या होता है बेटा इसको ना खुद नहीं पहचान पाता है ये इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है साथ में जो इसको स्टार्ट साइट को पहचान करवा सके, मतलब जाके प्रमोटर पे जाके बाइंड हो जाए सबसे पहले प्रोमोटर साइट पे आते हैं ठीक है तब वो क्या करवाता है ट्रांसक्रिप्शन करवाता है अब प्रमोटर साइट को यू के के अंदर तो ठीक है सिग्मा फैक्टर्स को पहुंचा देता है या वहां पर बाइंड करा के आ जाता है प्रोकेर के अंदर इट रिक्वायर्स सम प्रोटीन्स जो इसको दैट so रिकोगनाइज करने में स्टार्ट साइड को रिकोगनाइज करने में हेल्प करती हैं और ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये पॉजिटिवली वर्क कर सकती है मतलब इसको एक्टिवेट भी कर सकती है और इसको रिप्रेस भी कर सकती है रिप्रेस का मतलब है इनहिबिट भी कर सकती है दे कैन बी इनहिबिटरी ठीक है तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं प्रोकेरोट्स की बात कर रहे हैं ये डायग्राम बेटर लाइक ऑपरेंट का जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं आगे आ जाओ अब देखो जो असेबिलिटी है ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑफ प्रोक्रियोटिक डीएनए इन मेनी केसेस रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सिक्वेंसिस टर्म ऑपेरॉन्स ठीक है ध्यान से सुनो इस बात को तो इन जो प्रोटीन्स की एक्टिविटी है प्रोक्रियोटिक डीएनए का द दसेसिबिलिटी प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज कैसे पहुंचे बहुत सारे केसेस में इसको रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद विद सिक्वेंसिस टर्म ऑपेरॉन ऑपरेटर्स ठीक है तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा जो सारा प्रोसेस है ना दीज आर कंट्रोल्ड बाय ठीक है बेसिकली क्या होते हैं दीज आर आल्सो द डीएनए सीक्वेंसेस दिज आर कंट्रोल्ड बाय ऑपेरोस राइट द ऑपरेटर रीजन इज अर्जेसेंट टू द प्रोमोटर एलिमेंट ध्यान से सुनो मेरी बात

बाइंड ऑप सिक्वेंसेज ऑफ द ऑपरेटर बाइंड अ रिप्लेसर प्रोटीन ठीक है इच ऑपिर हैज इट स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्लेसर चलो इसको, इस बात को समझो बेटा क्या है अब देखो ऑपिर ऑपिरोन ए सिक्वेंसेज लाइंग क्लोजर टू क्लोजर टू प्रमोटर साइट ठीक है हमने ये पढ़ा प्रोटीन्स कितने तरह के हो सकते हैं दैट कैन बी एक्टिवेटर दैट कैन बी इनहिबिटर तो ये दोनों प्रोटीन्स जाके ऑपिर उनके साथ बाइंड कर सकती हैं ठीक है जनरली यहाँ पे इनहिबिटर प्रोटीन बाइंड करती है जब जरूरत नहीं होती इसके काम को स्टॉप करने के लिए और एक्टिवेटर काम को स्टार्ट कराने के लिए काम कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस का ठीक है तो इतनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद ऑपेर और इसकी अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ प्रोकैरियोट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है लैक ऑपेरोन हम करने जा रहे हैं वो कैसे करेंगे फॉर एग्जाम्पल लैक ऑपेरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ऑपेरोन मतलब लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए देर इज अ लैक है दैट इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विद लैक रिप्रेसर ओनली लैक आईजीन ठीक है दिस इज रेगुलेटरी लैक आईजीन के साथ राइट ओके आ गया हो जो लैक ऑपेरन का जो कंसेप्ट था लैक ऑपर मतलब का जो मेटाबोलिज्म है वो कैसे उसको रेगुलेट करने के लिए कैसे जो एंजाइम्स है वो वर्क करते हैं कौन सी जीन्स उनको बनाती है कब बनाती है कब वो ऑफ मोड में रहते हैं ऑपरेटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स ना दे कैन बी इन द ऑन मोड और दे कैन बी इन द ऑफ मोड राइट चलो

कैसी जीन्स होती है दिसिक मतलब एक एक सिस्ट्रॉन सॉरी एक जीन से एक जो सेगमेंट है जो प्रोटीन के लिए कोड करेगा ठीक है तो हमने ये देखा था की डेफिनेशन जीन दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फॉर्मेशन उसको हमने बोला सिस्ट्रोन ठीक है तो जब एक ही जीन एक ही सेगमेंट जो है बहुत सारी प्रोटीन्स बनाने के लिए इन्वॉल्व हो तो हमने उसको बोला पोलीसिस्ट्रॉनिक ठीक है पोलिस जीन इज रेगुलेटेड बाई अ कॉमन एक जब भी कोई सेगमेंट प्रोटीन सेंसिस में इन्वॉल्व होगा हमने ये समझा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है इसकी एक साइड पर होता है प्रोमोटर यहाँ होता है टर्मिनेटर और ये होती है बेटा आपकी स्ट्रक्चुर जीन्स अब ये स्ट्रक्चरल जीन्स प्रो क्रियोड्स केस में कैसी है दीज आर पोलिसिस्ट्रॉनिक दीज आर पोलिसिस्ट्रॉनिक ठीक है

Uh, जो ऐसा मान लो कि प्रोटीन की जो है, सिंसी, प्रोटीन सिंसी की रेगुलेशन है प्रोटीन सेंसिट की जो रेगुलेशन है प्रो के अंदर दैट इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपेरॉन्स राइट ठीक है तो अब देखो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेकोब एंड मोनेड का दिया हुआ लैक ऑपेरॉन ठीक है वेट फॉर अ मिनट जेकोब और मोनेड का दिया हुआ लैक ऑपेरॉन जो किसके अंदर मिलता है बेटा हमें प्रोकिरोड्स के अंदर मिलता है वेट 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 हमारे पास अगर हम बात करें ना ऑपेरॉन की ऑपेरॉन भी मतलब दे कैन दे आर ऑफ टू टाइप्स ऑपेरॉन जनरली ऑन मोड में जो रहते हैं और जब जरूरत पड़े वो ऑफ हो जाते हैं या कुछ ऑपेरॉन्स ऐसे होते हैं जो जनरली ऑफ रहते हैं बट जरूरत पड़े तो हम उनको ऑन कर सकते हैं ठीक है ओके इस बात को लिखेंगे ऑपेरोस दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स ठीक है सप्रेसिबल और इंड्यूसर्स ठीक है सप्रेसिबल वाले क्या रहते हैं जर्नली दे आर इन ऑन मोड और ये जनरली दे आर इन ऑफ मोड है ना बट कैन बी मेड इनको ऑफ कर सकते हैं ठीक है और ये ऑफ मोड में रहते हैं बट इनको हम क्या कर सकते हैं कैन बी मेड ऑन इनको हम ऑन भी कर सकते हैं ठीक है तो लैक ऑपेरॉन जो है दैट इज अप्रेसिबल काइंड ऑफ ऑपेरॉन ऑपेरोन का मतलब आई होप अब आप समझ गए होंगे ऑपेरोन क्या है डीएनए का सीक्वेंस है ठीक है जो जनरली ऑपेर का जो सीक्वेंस है दैट इज नियर टू द प्रोमोटर साइड ठीक है और इसको कंट्रोल करने के लिए आर एन ए पॉलीम्रेस की एक्चुअल एक्टिविटी जो है वो डिपेंडेंट होती है प्रोमोटर साइट को रिकोगनाइज करने के लिए प्रोक्रोड्स के अंदर जो है दस डिपेंडेंट ऑन सम प्रोटीन्स ये प्रोटीन्स क्या कर सकते हैं दे कैन बी एक्टिवेट दे कैन बी रिप्रेसिबल या इनहिबिटर प्रोटीन लैक ऑपिरोन की बात करें जब हम ऑपिरोन uh, बात कर रहे हैं लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए इन केस ऑफ प्रो में तो लैक ऑपिरोन कंसिस्ट ऑफ एक रेगुलेटरी जीन होती है जिसको बोलते हैं बेटा लैक आईजीन द आईजीन द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर रैदर इट इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर ठीक है gene, inducer, तो यहां पे लिखेंगे लैक जीन दिस इज इनहिबिटर दिस इज इनहिबिटर या रिप्रेसर प्रोटीन देखो लैक जीन क्या करती है बेटा रिप्रेसर एम आर एन ए बनाती है इससे बनती है प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन ठीक है इतनी बात याद रखना

जेड जीन अब ध्यान रखना जेड जीन से क्या बनता है बेटा ट्रांस, और ट्रांस लिखेंगे इस बात को दैट प्रमोटर जीन की जब हम बात कर रहे हैं तो लैक यहां लिख लो हम किसकी बात कर रहे हैं लैक ऑपेरोन की लैक ऑपेरोन के अंदर लैक आई

एंजाइम है तो आपको पता है एंजाइम्स भी क्या होते हैं बेटा प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन तो हर प्रोटीन को बनाने के लिए देयर मस्ट बी सम जीन तो लैक जेड जीन लैक वाई क्या बनाती है कौन सा एंजाइम परमीएज आई होप हमें पता है कि जब भी एज लग जाता है ए एस सी सबस्टेटम के नाम के साथ तो दैट बिकम एन एंजाइम परमीएज ऐसे ही लैक like ए इट विल फॉर्म ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइलेज ठीक है ये क्या है बेटा ये तीन है स्ट्रक्चरल जीन्स दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स और ये क्या है दिस इज रिप्रेसर प्रोटीन बनाने वाली

दो दो शुगर्स को मिला के तो जब हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को यूज करते हैं दैट लैक्टोज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज द वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज एंजाइम के लिए व्हिच increases permeability ऑफ़ द सेल नाम को पकड़ो परमिएज जो परमिएबिलिटी सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होगी वहां से परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज को बीटा गैलेक्ट्रोसाइड्स जो हैं, उनकी परमिबिलिटी बढ़ा देती है सेल मेम्ब्रेन के लिए द जीन ए एंड कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज ठीक है तो हमें क्या है देखो ये, ये है पूरा लैक ऑपेरोन का स्ट्रक्चर ये मान लो ये प्रोकिरोड्स के अंदर चल रहा है दिस इज बैक्टीरियल है ना दिस इज बैक्टीरियल मैमब्रेन बैक्टीरियल मैमब्रेन है ये राइट तो इसके अंदर है ये डीएनए सीक्वेंस प्रमो पूरा ऑपेरोन है आई चीन का काम क्या है इट विल क्या ट्रांसलेट करेगा ये रिप्रेसर प्रोटीन ठीक है एम आर एन ए बनेगा रिप्रेसर एम आर एन ए और ये प्रोमोटर साइट है पीफर प्रोमोटर पीफर प्रोमोटर ये वाली साइट कौन सी है दिस इज अ ऑपरेटर साइट ठीक है ऑपरेटर दिस इज द ऑपरेटर रीजन हमने बोला कि ऑपरेटर रीजन आर लाइंग क्लोज टू द प्रोमोटर साइट राइट प्रोमोटर साइट पे क्या आता है आरएनए पॉलीमरेज और स्ट्रक्चरल जीन ये तीनों क्या है स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई ए जेड से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाई से बनेगा परमीएज और ए से बनेगा ट्रांस बस एक बार इतना स्ट्रक्चर आपको याद रखना है ठीक है चलो सारे के सारे जो तीनों जीन प्रोडक्ट्स हैं इन लैक ओपिर उनके ये लिए चाहिए हमें मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज लैक्टोज को जब बैक्टीरिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा तो उसको मिलेगी एनर्जी और इनको ब्रेक डाउन करने के लिए ये तीनों genes, तीनों एंजाइम्स चाहिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी चाहिए परमीज भी चाहिए और ट्रांसिटाइड भी चाहिए ठीक है ओके इन मोस्ट ऑपेर एज वेल द जीन्स प्रेजेंट इन दस आर नीडेड टूगैदर needed together to function in the same or related metabolic pathways. Generally, इस तरह के जितने भी operons होते हैं metabolic जो activities में involved होते हैं वहाँ पे क्या होता है कुछ enzymes को बनाने वाले जो genes हैं उनका एक साथ होना जरूरी हो जाता है ठीक है Okay. Now comes lactose क्या है substrate है किसके लिए enzyme beta galactosidase के लिए और ये रेगुलेट करता है स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ऑपेरॉन कब इस ऑपेरॉन को काम करना है मतलब कब स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करके आर एन आर एन ए बनाना है और आर एन ए से क्या बनवानी है प्रोटीन्स मतलब ऑन मोड में रहेगा या ये ऑफ मोड में रहे मतलब कुछ भी काम ना करे ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी बैक्टीरिया के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है लैक्टोज या नहीं है ठीक है Okay. Hence it is termed as inducer. तो इसको हमने क्या नाम दिया बेटा इंड्यूसर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था दैट इंड्यूसर और देख ऑपेरोन क्या है बेटा दिस इज द इंड्यूसर टाइप हाँ सॉरी शायद ही मैंने पहले गलती से बोल दिया था इंड्यूसर क्या है लैक ऑपेरोन लैक ऑपेरोन जो एग्जाम्पल है दैट इज अ इंड्यूसर और इसके अंदर ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन जो ऑपेरोन है दैट इज सप्रेसिबल ठीक है तो जनरली जो लैक ऑपेरोन है दैट इज अगर मान लो ये मेरे पास बैक्टीरियल की वॉल है दिस इज मे है बैक्टीरियल वॉल ठीक है और यहाँ पे सराउंडिंग में क्या है लैक्टोज प्रेजेंट है यहाँ पे क्या है बेटा ये मान लो ये यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है ठीक है तो अब एक चीज़ याद रखना अभी पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं दैट ऑपेरोन ऑपेरोन को बनाने के लिए देखो स्ट्रक्चर याद रखोगे ये सारी प्रमोटर साइट है ओके एक सेकेंड एक सेकेंड लेट इट मेक इट मोर क्लियर ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे क्या है प्रमोटर साइट यहाँ है हमारे पास एक इनहिबिटर प्रोटीन बनाने वाली साइट यहाँ पे प्रमोटर यहाँ है हमारे पास ऑपरेटर रीजन है यहाँ है हमारे पास जेड जीन वाई जीन और ये थोड़ा सा वी कैन मेक इट इन लार्ज ऑपरेटर जेड वाई ए ये वाली चीज है बेटा है ना ठीक तो, है तो लैक ऑपेरन कैसे बेटा इंड्यूसर है इट इज इंड्यूसर तो हमने क्या बोला लेक्टोज मीडियम में जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा वो रेगुलेट करेगा कि ये जो लैक ऑपेरोन है इसको ऑन करना है या ऑफ करना है ठीक है तो हैंस इट इज टर्म डूसर मतलब डिपेंडेंट है किसी इंड्यूसर के ऊपर और यहाँ पे इंड्यूसर कौन है लेकटोज है इन द एबसेंस ऑफ ए प्रेफर्ड कार्बन सोर्स ग्लूकोज़ अगर प्रेजेंट नहीं है इफ लैक्टोज़ इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया तो लैक्टोज ट्रांसपर्ट हो जाएगा इन टू द सेल्स थ्रू द एक्शन ऑफ परमीज़, ठीक है रिमेम्बर वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ऑफ एरेंट इन से टाइम अदरवाइजोज कैन ऑट एंटर द सेल वॉट डज दिस मीन देखो कहते हैं कि परमिज की हेल्प से थोड़ा बहुत जो लेक्टोज है मतलब परमिएज जो एंजाइम है इसका एक लो लेवल होना जरूरी है कुछ लेवल होना जरूरी है ताकि वो जो कार्बन का सोर्स है ये जो लैक्टोज है वो अंदर अंदर मेम्ब्रेन से पास कर सके बाहर से अंदर जा सके तो परमिएज की प्रेजेंस में लैक्टोज कैन एंटर इनटू द सेल परमिएज चाहिए तो थोड़ा बहुत जो परमिएज है वो यहां पे प्रेजेंट होता है किसके अंदर सेल के अंदर तो ध्यान से पढ़ो इस लाइन को इफ प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम बैक्टीरिया ट्रांसपोर्टेड इन टू सेल्स। अब आप पूछोगे अपने आप कैसे चलेगी तो भाई वहाँ पे क्या है परमियज है परमियेज क्या करता है परमिबिलिटी बढ़ाता है किसकी बैक्टीरिया की जो मैम्ब्रेन है वहाँ से उसकी परमिबिलिटी बढ़ा देंगे तो बाहर से लेक्टोज जो है अंदर डिफ्यूज कर जाता है ठीक है तो याद रखने वाली चीज़ क्या है इसमें याद रखोगे एक तो परमियज का नाम री लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन हैज बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल बहुत मतलब ताकि लैक्टोज अंदर डिफ्यूज कर सके अदरवाइज lactose सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकेगा क्योंकि एंट्री कराने के लिए क्या चाहिए परमीज चाहिए ठीक है तो then induces दैन इंड्यूस in द फॉलोइंग मैनर राइट देखो ध्यान से प्रेम ऑफ इंड्यूसर इंड्यूसर यहाँ पे कौन है बेटा

ऑन की बात कर रहे हैं पहले इससे पहले हम ऑन को समझे हम पहले ऑफ को समझ लेते हैं देखो कम हियर मान लो एक कंडीशन में ये ले रही हूं कि लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट लैक्टोज इज एबसेंट लैक्टोज इज एबसेंट ठीक है लेट इज राइट हियर लैक्टोज इज एबसेंट ठीक है जब लैक्टोज मीडियम में है ही नहीं तो क्या ये जीन अपना काम करना चाहिए इनको ये नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए मेरे घर में जब गेस्ट आएंगे ही नहीं आए ही नहीं रहे हैं तो मैं एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाऊंगी है ना सिंपल इस बात को समझना तो ये तीनों जीन्स क्या करती है बेटा प्रोटीन्स बनवाती है एंजाइम्स बनवाती है जब लैक्टोज नहीं है तो इनको अपना काम रोक के रखना पड़ेगा मतलब जो ऑपेरोन है दैट इज इन द ऑफ मोड राइट दैट इज इन द ऑफ मोड. तो क्या होता है आई जो जीन है ये कौन सी जीन है लैक आई जीन इसने क्या किया बेटा एम आर एन ने बना दिया कौन सा रिप्रेसर और इससे बन गई प्रोटीन कौन सी इनहिबिटर ठीक है इनहिबिटर प्रोटीन इनहिबिटर प्रोटीन क्या करती है इनहिबिटर प्रोटीन की टेंडेंसी है जाके ऑपरेटर साइट पे जाके बैठ जाती है इस वाली साइड पे जाके बैठ जाती है दिस इज इनहिबिटर प्रोटीन ठीक है इनहिबिटर प्रोटीन दिस इज इनहिबिटर प्रोटीन ये इनहिबिटर प्रोटीन जाके कौन से रीजन पे बैठ गई ये है बेटा ऑपरेटर रीजन ऑपरेटर रीजन ठीक है तो इनहिबिटर प्रोटीन जैसे ही ऑपरेटर रीजन पे जाके बैठ जाती है तो ऑपरेटर रीजन क्या हो गया ब्लॉक हो गया ठीक है ध्यान से देखो ऑपरेटर रीजन के ऊपर दिस वाज ऑपरेटर रीजन और ऑपरेटर रीजन के ऊपर क्या आ गई ये दिस इज इनहिबिटर प्रोटीन ठीक है जिसकी वजह से ये साइट क्या हो गई बेटा पूरी की पूरी साइट हो गई ब्लॉक तो अब अब आओ वापस अपनी बात पर कि हमने ये देखा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए मतलब इन जीन से प्रोटीन बनवाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें चाहिए एक आर एन ए तो आर एन ए तो है प्रोमोटर साइट पर आके बाइंड कर गया मान लो यहां पे आके बाइंड कर गया कौन दिस इज आर एन ए पॉलिमरेज आर एन एरो आर एन ए दिस इज आर एन ए पॉलीमरेज ये आके बेटा बाइंड कर तो गया प्रोमोटर साइट पे बट अब इसको आगे कौन पुश करे है ना इसको आगे कौन पुश करे आगे पुश करने के लिए अगर इसको कुछ प्रोटीन्स हेल्प करती बट हुआ क्या हुआ क्या यहाँ पे तो साइट क्या हो गई ब्लॉक हो गई ऑपरेटर रीजन ब्लॉक हो गया आर एन पॉलीमरेज आगे मूव कर नहीं सकता है कर नहीं सकता है तो ये जीन्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब इनका हो नहीं सकता है इनका एम आर एन ने जो बनना था एम आर एन ने इन तीनों से जो बनना था वो बनेगा नहीं वो नहीं बनेगा तो नो एंजाइम नो एंजाइम का मतलब ना तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनेगा ना ही परमिएज बनेगा ना ही ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा ठीक है तो ये ऑपरन किस मोड में है ऑफ मोड में और इनकी ट्रांसक्रिप्शन रोककर जेड वाई ए की ट्रांसक्रिप्शन रोककर बैक्टीरिया ने अपनी एनर्जी को सेव कर लिया ठीक है एनर्जी को सेव मतलब एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा भाई जब उसके पास लेक्टोज है ही नहीं उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कराना है लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कब होगा जब लेक्टोज प्रेजेंट होगा जब लैक्टोज इज एबसेंट इस, इस मीडियम में कोई भी लैक्टोज नहीं है तो ये क्या रखेगा अपने आप को ऑफ रखेगा अपने जीन्स की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं कराएगा प्रोटीन बनवाने में इसके लिए क्या हुआ इसने जो इनहिबिटर प्रोटीन है इसके पास वो ऑपरेटर साइट को जाके ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से आर एड आगे मूव नहीं कर पाता ठीक है ये हुआ ऑफ वाला केस अब समझेंगे ऑन वाला ठीक है चलो अब एक बार हम समझते हैं ऑन वाला द रिप्रेसर ऑफ द ऑपेरोन मतलब इनहिबिटर ऑफ द ऑपेरोन इज सिंथिसाइज ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली कॉन्स्टिट्यूटिवली क्या होती है बेटा जिनके ऊपर मतलब जिनको किसी भी कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है ठीक है फ्रॉम द आईजीन द रिप्रेसर ऑफ द ऑपेरोन इज सिंथेसाइज्ड रिप्रेसर प्रोटीन जिसको मतलब वो सिंथेसिस होती रहती है मतलब इनहिबिटर प्रोटीन आई से ऑलवेज सिंथेसाइज होती रहती है

इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर अब जब लैक्टोज प्रेजेंट है उसी, उसी, उसी पॉइंट उसी पे आते हम दोबारा से नाउ सी नाउ सी देश बार और ड्रॉ करते हैं. ये हमने बनाया बेटा अब दिस इज बैक्टीरियल मेम्ब्रेन कर लो है ना दिस इज बैक्टीरियल मेम्ब्रेन और सराउंडिंग में हमारे पास क्या है लैक्टोज प्रेजेंट है यहाँ पे बहुत सारा लैक्टोज है बैक्टीरिया के सराउंडिंग में ठीक है ओके अब okay. देखो वही बनाओ यहाँ पे इनके पास ये है हमारे पास क्या थी यहाँ पे थी प्रमोटर साइट यहाँ थी इनहिबिटर यहां भी है प्रोमोटर देन ऑपरेटर देन जेड देन वाई देन ए. ठीक है इतनी बात क्लियर है? ओके इनहिबिटर प्रोटीन ने क्या बना दी एम आर एन ए बना दिया एम आर एन ए से क्या बना दी इनहिबिटर प्रोटीन बना दी इनहिबिटर प्रोटीन बना दी ठीक है इनहिबिटर बना प्रोटीन बनाने मान लो ये ये बन गई बेटा इनहिबिटर प्रोटीन ठीक है है ओके अब अब क्या हुआ अब हमारे पास इस मीडियम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट जो अंदर अंदर डिफ्यूज होता जाता है एलोलैक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता रहता है क्यों क्योंकि थोड़ा बहुत जो परमियज है वो प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया के अंदर तो अब ये लैक्टोज यहाँ पे एंटर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं एलोलेक्टोज की ये हो गया एलो दिस इज एलोलेक्टोज ठीक है, दिस इज लैक्टोज और ये कौन सी प्रोटीन थी बेटा ये थी हमारी इनहिबिटर राइट right? अब देखो ये जो इनहिबिटर प्रोटीन है ना इतनी मतलब वो है दल जिसको कहते हैं ना दल बदलू है कैसे जब इसको

ठीक है अब इसके पास मौका है ये एलोलेक्ट्रोस और इनहिबिटर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं कि हम दोनों बैठ के बातें करेंगे हमारी दोस्ती ज्यादा हो गई ठीक है अब ऑपरेटर साइड को इन्होंने खाली छोड़ दिया ऑपरेटर साइड को क्या कर दिया बेटा खाली छोड़ दिया और अब हमारे पास हमें पता है यहां पे क्या था देर वॉज आर एन ए पॉलिम्रेज देर वॉज आर एन ए ठीक है आर एन ए को ये वाली जो साइट थी कौन सी वाली ये वाली जो साइट थी ना ये ये मिल जाती है पूरी फ्री ठीक है ऑपरेटर रीजन ऑपरेटर रीजन जैसे ही सॉरी मैंने ब्लॉक कर दिया इसको इसको ब्लॉक नहीं दिखाएंगे हम क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि अब ऑपरेटर रीजन जो है दैट इज अब ऑपरेटर रीजन जो है दैट इज फ्री फ्री है तो अब ये जो पॉलीमरेज है अब ये आगे मूव कर सकता है ठीक है आगे मूव कर सकता है तो जब जैसे ही पॉलीमरेज मूव करेगा तो इसका मतलब इनकी ट्रांसक्रिप्शन कराएगा तीनों से एम आर एन ए बनेंगे एम आर एन ए से क्या बनेगी इनकी प्रोटीन्स बनेगी जैसे जेड से कौन सी बन जाएगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज ठीक है वाई से ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाई से क्या बन जाएगा बेटा परमियज और लैक ए से बन जाएगा हमारे पास ठहरो इसको ऐसे लिखते हैं ट्रांस एसिटाइलेज ट्रांस एसिटाइलेज ठीक है अब ये तीनों बन गए हमारे पास तीनों जब जीन्स बन गई सॉरी तीनों प्रोटीन्स जब बन गए तीनों एंजाइम बन गए तो ये तीनों एंजाइम मिलके क्या कर देंगे लैक्टोज के ऊपर एक्ट करेंगे और लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देंगे किसके अंदर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर ठीक है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर ये कौन सा मोड है बेटा दिस इज ऑन ये ऑन वाला है ये ऑन मोड है जब लैक्टोज प्रेजेंट है अब जरूरत है कि गैस आने वाले हैं, मतलब जैसे खाना बनाओ फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझना कि अब लैक्टोज प्रेजेंट है अब इंजिन से काम लेने की जरूरत है तो अब ये जींस अपना काम शुरू कर देंगी या अब ये एंजाइम बनाएंगे एंजाइम बनाएंगे तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देंगी ठीक है तो इस तरह से ये सारा मैथड कंट्रोल होता रहता है इंड्यूसर मतलब इंड्यूसर के साथ मिलके इनएक्टिवेट हो जाती है जब एक्टिव होती है तो वो ऑपरेटर साइड पर जाके बैठ जाती है और जैसे इंड्यूसर आ जाएगा तब ये इनएक्टिव हो जाएगी राइट दिस अलाउस आर एन ए पॉलिमरेज अ प्रोमोटर आर एन ए पॉलिम्रेज को जगह मिल गई प्रोमोटर के साथ बाइंड करने की और ट्रांसक्रिप्शन आगे आगे चलता जाएगा रेगुलेशन ऑफ रैक ऑपर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथिस बाई इट्स अगर सब स्टेट प्रेजेंट है तभी तो एनजाइम वर्क करेंगे अगर सब स्टेट प्रेजेंट नहीं है तो एनजाइम वर्क नहीं करेंगे ठीक है तो ये देखो रिप्रेसर प्रोटीन बन गई अब ये क्या है फ्री है मतलब इनएक्टिव हो गई कैसे इंड्यूसर के साथ अटैच होने की वजह से तो ऑपरेटर साइड क्या हो जाएगी फ्री हो जाएगी आर एन ए को यहाँ बाइंड करने का मौका मिल जाएगा और स्ट्रक्चरल जीन से काम करवा लेंगे जन ये ये दिखाया हुआ बेटा स्विच ऑफ वाला मोड है तो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो इस साइड पे जाके बाइंड हो जाती है बट जब ऑन की हम बात करेंगे तो ऑन के अंदर ये इनएक्टिव हो जाएगी आई होप तक हमें क्लियर है है ठीक रिमेंबर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दे कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैक ऑपेरोन लैक ऑपेरोन के लिए हमें लैक्टोज ही चाहिए ठीक है कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैक वुड बी एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ठीक है कब तक कब तक काम करेगा लैक वुड बी एक्सप्रेस जब तक लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम के अंदर जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो हमें उसी को ही तो मेटाबोलाइज करना है ठीक है ओके रेगुलेशन ऑफ ब्लैक और पेर बाई रिप्रेसर इज रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन इसको क्या बोलते हैं बेटा नेगेटिव रेगुलेशन क्यों रिप्रेसर रिप्रेसर का मतलब क्या होता है इनहिबिटर तो इनहिबिट करने वाला जो रेगुलेशन है रोकने वाला जो रेगुलेशन है उसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल हमने बात की रेगुलेटर कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव एक्टिवेटर और रिप्रेसर ठीक है बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम इतना समझना है कि अगर रिप्रेसर प्रोटीन आ जाती है इनहिबिटर प्रोटीन आ जाती है तो वो क्या करती है ऑपरेटर साइट को ब्लॉक करके रखती है जिसकी वजह लैक्टोज के लिए और जब इंड्यूसर मिल जाएगा तो रिप्रेसर जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव हो जाएगी इंड्यूसर की प्रेजेंस में ऑपरेटर साइट खाली मिलेगी आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिल जाएगा प्रोमोटर साइट पे बाइंड करने का और वो ट्रांसक्रिप्शन करवाकर तीनों एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है ठीक है तो विद दिस डिस्कशन वी हैव कम्प्लीटेड विद द जीन रेगुलेशन एंड लैक ऑफ ए रोन और अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन के आंसर ताकि हम ये देख सकें कि हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द टॉपिक ठीक है चलो इन यूकेर विच इज द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूकेर की बात कर रहे हैं कौन सा मैकेनिज्म जो करेक्ट नहीं है जब हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे ठीक है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन होता है यस yes. स्प्लिसिंग पे होता है यस ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए ध्यान से पढ़ना बेटा फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म होता तो तब हम मान लेते राइट right है तो ये क्या हो गया हमारा रॉन्ग ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ A polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and a regulator gene in bacteria and is commonly termed as polycistronic gene. Jisko ki humne kya diya tha? Operon ka. Hai? NCRT ke lines hai questions. These are specially designed for you from NCRT. Like operon was elucidated by Jacob and Monad. Very right. Okay. रेगुलेटरी जीन रेगुलेटरी जीन आई इन लैक ऑफेर इज इनहिबिटर इट इज इनहिबिटर हमने पढ़ा था रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटर प्रोटीन बनाएगी ओके बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज बाय ई कोलाई टू द हाइड्रोलिस ऑफ लैक्टोज को ब्रेक करेंगे इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज -E और इसी के साथ ही हमने आज की क्लास में पूरा यह हमारा टॉपिक जो है खत्म किया और नेक्स्ट क्लास में हम अब डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन समझने के बाद जेनेटिक कोड समझने के बाद जो मतलब हमने ये देखा कि जो डी एन ए है ऑलमोस्ट सबके अंदर सेम है सब जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट क्यों हैं ठीक है ठीके? तो वहाँ से क्यूरोसिटी आई ह्यूमन जीनोम पे काम करने की तो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो विद दिस इज द टाइम टू से थैंक यू बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल